नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ हरियाणा NTSE 2019-20 का सेट का कोड बी के मैथ्स वाले पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके बीच में इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को डिस्कस करेंगे। दैट वाज अगेन द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस का 64 इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस आर इज इक्वल टू जीरो where the value of r is greater than 0 have the real roots, then r satisfies which of the following equations। ठीक है जी, quadratic equation का question है। Again दो keyword हमारे पास है, r का value 0 से बड़ा है और इस equation के real roots हैं। तो इनको करने से पहले दो property हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कोई भी quadratic equation हमारे पास है ax square plus का bx plus का c is equal to 0, जब हम इसके रियल रूट्स निकालेंगे तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन आपने पढ़ा था, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, और आपसे कहते हैं कि अगर a और b कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, अगर a का स्क्वायर b के स्क्वायर से बड़ा है तो 100% गारंटी है द वैल्यू ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ b। ठीक है जी, तो इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है x का स्क्वायर, इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं। हमारे पास लिखा है x का स्क्वायर प्लस का आर एक्स प्लस का 64 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालू तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और रियल रूट्स के लिए जीरो से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पे b का वैल्यू कितना है r, तो आप इसे पुट कर सकते हैं r का स्क्वायर माइनस का 4 × 1 × 64, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस का 256 greater than equal to 0, so the value of r is greater than equal to 256 का square root, so r is greater than 256 का square root, क्योंकि 256 जो है वो positive real number है और r भी positive real number है। ठीक है, तो 256 का square root सबको मालूम है कितना होता है, 16 होता है। अब चलते हैं दूसरी equation के ऊपर। दूसरी equation हमारे पास क्या है, x का square minus का 8x और plus का r is equal to 0। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो अगेन रियल रूट्स हैं, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 1 × r ग्रेटर देन 0, सो 64 माइनस का 4r ग्रेटर देन 0, सो 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, सो 64/4 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, सो दिस इज 16। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू 16। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिलता है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड आर लेस देन इक्वल टू 16। आर का वैल्यू 16 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा एंड आर का वैल्यू 16 होगा या उससे छोटा होगा। एंड का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो हमारे पास 16 है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 16 है, तो कोई भी एक वैल्यू 16 या 16 से बड़ी और कोई भी एक वैल्यू 16 या 16 से छोटी, तो दोनों के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, कितना 16। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 16। अब हमें ये देखना है कि जो 16 है वो इन इक्वेशंस में से किसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको एकदम से प्रत्यक्ष दिखेगा 16 × 3 कितना होता है 48। डायरेक्टली हम लोग इस इक्वेशन को पिक करते हैं तो आप इसको लिखेंगे r स्क्वायर माइनस का 13r और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइए, r स्क्वायर माइनस का 16r प्लस का 3r माइनस का 48 0, r बाहर आएगा r माइनस का 16, 3 बाहर आएगा r माइनस का 16, दिस विल बी 0, सो r माइनस 16 r प्लस का 3 दिस विल बी 0, सो r माइनस 16 इज इक्वल टू 0, r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ r इज 16 एंड द वैल्यू ऑफ r इज -3। लेकिन -3 नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहले से बोला r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इसका 100% गारंटी है r इज इक्वल टू 16 किसका रूट होगा, इक्वेशन नंबर 3 का रूट होगा। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर r का a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है और a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो 100% गारंटी है द वैल्यू ऑफ a विल बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b, सो r विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 256, 256 का स्क्वायर रूट 16 है, सो द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। और यहां पे क्या है, द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू 16, दैट मींस r इज इक्वल टू 16। फिर हमने इनको उठा के देखा, इनके बीच में थर्ड इक्वेशन में डायरेक्टली आपको 16 और 3 नजर आ रहा,
तो हमने जब इसके रूट निकाले तो एक 16 आया, एक माइनस 3 आया, लेकिन माइनस 3 जो है वो 0 से छोटा होता है, जबकि उसने डायरेक्टली बोला कि r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. इसका r इज इक्वल टू 16 ओनली सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, सो c इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट उठा सके. ठीक है जी, सो थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियोस. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू.